हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 के पिछले वीडियोस में हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात की थी। आज हम बात करेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है। लेट अस सी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बहुत ही सिंपल थ्योरम है, बस थोड़ी सी बात समझनी है हमें। इस थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले दो बातों का जानना आवश्यक है, वो है प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। अगर ये नहीं पता होंगे तो हमें ये थ्योरम बिल्कुल भी समझ में आने वाली नहीं है। उम्मीद है ये आपको पहले से पता होंगे। व्हाट आर प्राइम नंबर, रिवाइज कर लेते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो केवल अपने आप से और वन से डिवाइड होते हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे नंबर्स। और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने आप से भी कट जाते हैं, वन से भी कट जाते हैं, उसके अलावा कोई और नंबर से भी कट जाते हैं। जैसे 12 दिया आपने तो वन से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, सभी से कट जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई भी नंबर अपने आप से, वन से और उसके अलावा किसी और नंबर से भी कट जाता है तो हम कहेंगे कि वो कंपोजिट नंबर है। अब फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है? फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है कि अगर हम किसी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स करें, किसी कंपोजिट नंबर के, जैसे हमने 12 लिया और 12 के प्राइम फैक्टर हमने किए 2 2 4 3 12। प्राइम फैक्टर्स आपको पहले से तुमने याद होंगे, इस तरह से करते थे 2 से घटा 6 आया, 2 से घटा 3 आया, 3 से घटा 1 आया, इस तरह से। तो ये बहुत अगले क्लास की चीजें हैं, ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। तो फंडामेंटल थ्योरम का कहना ये है कि कोई भी कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के रूप में लिखा जा सकता है, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो आपने लिखा है ये यूनिक होगा, मतलब दुनिया में एक नंबर का एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने 12 के फैक्टर्स किए, अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स 12 के फैक्टर को इस तरह से कर देता है, पहले वो 3 लेता है, 3 4 जा 12, फिर 2 देता है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो उसने लिखा 3 × 2 × 2, तो ये भी सही होगा, फैक्टर वही आ गया 2 2 3 2 2 3। अनदर स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया, उसने इस तरह से किया, पहले 2 से किया 6 आया, फिर 3 से किया 2 आया, फिर 2 से किया 1 आया, तो ये भी सही है, सभी तरीके से सही है, बस आए नहीं वही 2 2 और 3 2 2 3, किसी भी क्रम में आए। तो यही लिखा है, एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ऑर्डर का मतलब क्रम, जिस क्रम में ये नंबर आएंगे वो क्रम इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये कि उसकी मल्टीप्लाई से 12 तो बन नहीं बन रहा है और नंबर भी वही आएंगे। और ऐसा नहीं कि 12 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो कोई और तरीके का प्राइम फैक्टराइजेशन दुनिया में आ जाए, तो दिस इज यूनिक। सो दिस इज वॉट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इज, इफ वी ट्राई टू ब्रेक द कंपोजिट नंबर इन द फैक्टर्स ऑफ प्राइम, द प्राइम फैक्टराइजेशन विल बी यूनिक एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन विच दे अकर। तो बस बहुत सिंपल सी थ्योरम थी और उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी कि ये थ्योरम क्या थी और किस तरह से हमें टैकल करना है, किस तरह से यूज करना है। आगे हम इसके आगे के लेक्चर्स में इसको डिस्कस करेंगे और उम्मीद है लेक्चर समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिल सके। थैंक यू।